ये तैयारी किसी जंग की नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर है। मिशिगन, यूटा, वर्जीनिया, ओहायो, अमेरिका के जिस भी शहर या राज्य का नाम लें, वहां इस वक्त सुरक्षा ऐसी ही की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। बात अगर शपथ ग्रहण की होगी तो वॉशिंगटन और कैपिटल हिल का नाम आना लाजमी है। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों द्वारा किए गए हमले के बाद पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन से भी कम का वक्त बचा है जब अमेरिका को 46वें राष्ट्रपति के तौर पर देश का नया मुखिया मिलेगा। कैपिटल हिल में 6 जनवरी को हुई इस घटना से दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हुई। यही कारण है कि भविष्य में किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए अमेरिका ने अकेले राजधानी वॉशिंगटन में ही 15,000 से ज्यादा सैनिकों को उतारा है। यही हाल अमेरिका के हर दूसरे राज्य का है। कोई भी राज्य हो, वहाँ 5 से 10 हजार सैनिकों की मौजूदगी सिर्फ शपथ ग्रहण के दिन किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए की गई है। एक तरफ सैनिकों की मुस्तैदी तो दूसरी तरफ ट्रंप समर्थकों का गुस्सा। बड़ी तादाद में सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी ओहायो, मिनेसोटा में ट्रंप के कुछ समर्थक जो बाइडेन के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर न्यू मैक्सिको से एक शख्स को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप हथकड़ी पहने देख रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि न्यू मैक्सिको का एक निर्वाचित अधिकारी है जिसने शपथ ग्रहण के दिन हथियारों के साथ वॉशिंगटन में प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। शपथ ग्रहण से पहले हर दिन अमेरिका से किसी न किसी प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। यही वजह है कि FBI ने यहां जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दिन किसी बड़ी घटना का अंदेशा जताया है।